डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आज के दिन सोशल मीडिया के एक सुपरस्टार बन चुके हैं। लोग उनके तेज तर्रार रिप्लाईज के फैन बन चुके हैं। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर की ये खासियत नहीं है, उनकी खासियत है उनकी डिप्लोमेसी। भारत ने इंटरनेशनली पिछले 45 सालों में जो जो भी अचीव किया है, आपको विश्वास नहीं होगा उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर एस जयशंकर का हाथ जरूर रहा है। अपनी नॉलेज और इंटेलेक्ट के दम पर आज डॉक्टर एस जयशंकर भारत के इंटरनेशनल चेहरे बन चुके हैं। पॉलिटिकल स्पीयर में आप उनके ताकत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि जब 2019 में मोदी जी की नई कैबिनेट बननी थी तो एस जयशंकर को मोदी जी ने चुना था। एस जयशंकर वो थे जिन्होंने पहले कभी चुनाव भी नहीं लड़ा था और उन्हें उसी समय भारत का पॉलिटिकली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दिया जाता है। एक नए चेहरे को इतना इंपॉर्टेंट पोस्ट क्यों दिया जाता है? ऐसा क्या है डॉक्टर एस जयशंकर जी में? क्या मोदी जी भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? आइए देखते हैं इस वीडियो में। The world is not stupid. You're not going to confuse anybody anymore. Yes, I think the Prime Minister is demanding. I think he's rightly demanding. Because it's time that India had a demanding person as Prime Minister. 5 जनवरी 1955 इंडियन सिविल सर्वेंट के सुब्रमण्यम और डॉक्टर सुलोचना जी के यहाँ दिल्ली में जयशंकर जी का जन्म होता है। जयशंकर जी के पिताजी का भारत के डिफेंस पॉलिसी वाले सेक्टर में बहुत बड़ा नाम था। उनका भी बड़े बड़े डिप्लोमैट के साथ उठना बैठना रहता था। उनकी माता जी ने भी PhD कर रखी थी, यानी कि उनका जन्म एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल फैमिली में हुआ था। डॉक्टर एस जयशंकर बताते हैं कि बचपन में ही उनके घर में फॉरेन पॉलिसीज के बारे में डिबेट चला करती थी, हमेशा एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में ही बात हुआ करता था, तो ये चीज उनके माइंड को शेप करने में बहुत ज्यादा मदद किया था। वो दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से अपनी पढ़ाई खत्म करते हैं और उसके बाद एक अलग मोड में जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी जीवन की आगे की पढ़ाई परस्यू करना चाहते थे, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला था। वो जब एडमिशन कराने IIT दिल्ली जाते हैं तो वो JNU से क्रॉस होकर जाते हैं और JNU और IIT दिल्ली बहुत ही पास है। वो देखते हैं कि JNU के सामने बहुत ज्यादा भीड़ है, यानी कि बहुत ज्यादा बच्चे थे वहां पे, तो वो सोच में आ जाते हैं कि क्या मैं JNU से ही कुछ कर लूं। फिर वो आगे जाके JNU में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लेते हैं। यहां से वो MA करते हैं और MPhil इंटरनेशनल रिलेशंस में करते हैं। आगे जाके वो PhD भी करते हैं इसमें, यानी कि बड़े ही पढ़े लिखे इंसान है वो। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा मैं आपको। वो JNU में एक बहुत ही यूनिक ग्रुप से जुड़े हुए थे। फ्री थिंकर्स नाम था उस ग्रुप का, और उस ग्रुप का बात मैं क्यों कर रहा हूँ? आज के भारत की जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो भी एक समय पे इस ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी। देखिए, वो अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते हैं और इसके बाद वो सोचते हैं कि मेरे को अपनी जिंदगी अपने देश की सेवा में बितानी है, तो इस चीज को करने के लिए वो UPSC का एग्जाम देते हैं। UPSC के एग्जाम क्लियर करने के बाद वो IFS चुनते हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में वो जॉब करना चाहते थे। 1977 में वो अपनी जॉब की शुरुआत करते हैं IFS में। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा बात था। आप समझ रहे हैं, बचपन से ही उनके घर में इंटरनेशनल पॉलिसीज और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बातें की जाती थी और इंडिया को इंटरनेशनली कहीं पे जाके रिप्रेजेंट करना उनके लिए एक सपने से कम नहीं था, और आज वो सपना सच होने को आया था। 1979 में उनकी पहली पोस्टिंग की जाती है मॉस्को में, और यहां पे वो सोवियत यूनियन को सामने सामने गिरते हुए देखते हैं। आगे जाके वो USA में भी सर्विस करते हैं और वहां पे उनका साइड को भी वो समझने की कोशिश करते हैं। ये दोनों साइड समझने के बाद वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए थे और उनको जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिली थी कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, और वो होती है डिप्लोमेसी। तो ये जो डिप्लोमेसी थी वो उसे अपने जीवन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना लेते हैं। कोई उस समय डॉक्टर एस जयशंकर को देख के भी पहचान जाता था कि वो एक डिप्लोमैट है, यानी कि उनकी ड्रेसिंग सेंस और उनकी बातें सारी की सारी एक डिप्लोमैट की थी। यहां से उनके जीवन में अलग अलग पोस्टिंग्स आते हैं और वो दुनिया भर में भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनके जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग आने वाली थी 1996 में। जापान में पोस्ट कर दिए जाते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। जापान उनके लिए पर्सनली और प्रोफेशनली भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। पर्सनली इसलिए क्योंकि यहां पे उनको अपनी दूसरी वाइफ मिलती है क्योको, और प्रोफेशनली इसलिए क्योंकि भारत और जापान के रिश्तों को बहुत मजबूत कर देते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? 1988 में, जैसा कि आपको पता होगा, भारत में सेकेंड सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, और इस टेस्ट के बाद बहुत सारे हमारे जो मित्र थे एक समय में, इंटरनेशनल मित्र थे,
थे वो हमसे खफा हो गए थे, दुखी हो गए थे वो हमसे, यानी कि बाकी सारी कंट्रीज से रिलेशन थोड़े से लूज होने लगे थे भारत के। लेकिन क्योंकि एस जयशंकर जी जापान में पोस्टेड थे, वो जापान और भारत के टाइज को लूज होने नहीं देते हैं। योशिरो मोरी जो कि जापान के उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे, डॉक्टर एस जयशंकर के वजह से वो भारत को विजिट करने आते हैं और वो दिखा देते हैं कि अभी भी जापान और भारत के रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत हैं। आगे जाके डॉक्टर एस जयशंकर भारत में वापस आते हैं और अमेरिकन डिवीजन ऑफ MEA के वो जॉइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। यहाँ पे वो अपने करियर का सबसे इंपॉर्टेंट डील साइन करवाते हैं। भारत और यूएस के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई थी, एक छोटी डील में भी साइन करना भारत और यूएसए के लिए बहुत बड़ा बात था। लेकिन इसी समय में भारत और यूएसए के बीच में न्यूक्लियर सिविल एग्रीमेंट होता है। आप देख रहे हैं टेंशन के माहौल में भी इतनी बड़ी डील साइन कर दी जाती है और ये सब चीज का श्रेय सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर एस जयशंकर को दिया जाता है। यहाँ पे बताने वाली बात ये भी है कि वो उस समय ओबामा से भी बहुत ज्यादा क्लोज हुआ करते थे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब डॉक्टर एस जयशंकर की पोस्टिंग होती है चाइना में। चाइना जाकर भी वो भारत के लिए बड़े बड़े काम करते हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण काम वो करते हैं कि उस समय जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को एक अलग से वीजा बनवाना पड़ता था चाइना जाने के लिए, क्योंकि उस समय चाइना की पॉलिसी ही कुछ ऐसी थी। इस पॉलिसी को पूरा का पूरा बदलवा देते हैं डॉक्टर एस जयशंकर और अब जम्मू कश्मीर के लोगों को अलग से वीजा बनवाना नहीं पड़ता था। चाइना और इंडिया में बॉर्डर टेंशन शुरू से ही रही है, लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर वहां पे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वो इन टेंशन को बहुत करीब से देखे थे और इन सब के रेजोल्यूशन के लिए भी वो बहुत मेहनत किए थे। चाइना ही वो जगह है जहां दो बड़े लोगों की तकदीर टकराने वाली थी। जी हां, यहीं पे डॉक्टर एस जयशंकर नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। नरेंद्र मोदी जी चाइना के दौरे में आए रहते हैं और वो वहां पे एक स्पीच देने वाले रहते हैं। स्पीच देने से पहले थोड़े घबराए रहते हैं मोदी जी, तो वो डॉक्टर एस जयशंकर जी के पास जाके थोड़े से टिप्स मांगते हैं कि कैसे यहां के लोगों से बात की जाए। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत अच्छे अच्छे टिप्स देते हैं उस समय मोदी जी को और डॉक्टर एस जयशंकर की बातें सुनकर नरेंद्र मोदी जी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। कहानी में चलिए आगे बढ़ते हैं। देश और दुनिया के अलग अलग जगह पे जाकर डॉक्टर एस जयशंकर देश की सेवा कर चुके थे और देश को रिप्रेजेंट भी कर चुके थे, लेकिन 2015 में उनकी रिटायरमेंट आने वाली थी और उनको अपनी रिटायरमेंट बड़े ही धूम धड़ाके से करनी थी। उनकी रिटायरमेंट थी 31 जनवरी 2015 को और 26 जनवरी 2015 में बराक ओबामा एज अ चीफ गेस्ट आते हैं भारत की रिपब्लिक डे में। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप फॉरवर्ड था, क्योंकि इससे पहले यूएस के कोई भी प्रेसिडेंट भारत की रिपब्लिक डे परेड को देखने के लिए नहीं आए थे। ओबामा के भारत आने के पीछे भी एस जयशंकर का बहुत बड़ा हाथ था। कुछ 5 दिन बचे थे उनके रिटायरमेंट को और मोदी जी की सरकार थी उस समय, तो मोदी जी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुला लेते हैं। इस इम्पोर्टेंट मीटिंग में देश के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। इस मीटिंग का नतीजा ये निकलता है कि इस मीटिंग के तुरंत बाद सुषमा स्वराज जी जो कि फॉरेन मिनिस्टर थी उस समय भारत की, वो तुरंत तुरंत फॉरेन सेक्रेटरी को कॉल करती है और बोलती है कि आपको आपके पोजीशन से हटा दिया गया है और तुरंत ही डॉक्टर एस जयशंकर को उनके पोजीशन में डाल दिया जाता है। यानी कि उनको रिटायर होने ही नहीं देना चाहते थे मोदी जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मोदी जी उनकी इंपॉर्टेंस जानते थे भारत के लिए। डॉक्टर एस जयशंकर वो पहले इंसान बनते हैं जिनके टेन्योर को 1 साल बढ़ा दिया जाता है, वो भी खुद मोदी जी के द्वारा। यानी कि अब 2019 तक वो यहाँ पे सर्विस देने वाले थे। 2019 में फाइनली वो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन 2019 में फिर से मोदी जी सरकार बना लेते हैं भारत में और डॉक्टर एस जयशंकर के इंपॉर्टेंस को मोदी जी जानते थे और इंटरनेशनल रिलेशंस को जानने के लिए डॉक्टर एस जयशंकर जी से अच्छा कोई भी नहीं था भारत में उस समय, कोई भी नहीं। तो तुरंत ही कैबिनेट बनाई जाती है मोदी जी के द्वारा और उसमें डॉक्टर एस जयशंकर जी को शामिल कर लिया जाता है। याद रखिए, इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर जी कभी भी चुनाव नहीं लड़े थे, तो वो भारत के पहले इंसान बन जाते हैं जो कि बिना चुनाव लड़े भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनते हैं। ये पॉलिटिकली अगर आप देखें तो भारत के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आप जगह जगह जाकर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, आप जो भी बोलेंगे भारत वो बोल रहा होगा। लेकिन इस चीज के लिए मोदी जी डॉक्टर एस जयशंकर से अच्छा किसी को भी नहीं समझते हैं और एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर बनने के बाद डॉक्टर एस जयशंकर जी छा जाते हैं। उनके छाने की एक और महत्वपूर्ण वजह है, सबसे पहले वो इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा स्मार्ट थे। जैसे कि हमने पूरी वीडियो में देखा है, वो जगह जगह जाकर भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, यानी कि उन्हें हर एक कंट्री का ऑलमोस्ट ज्ञान भी है। पहले के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हुआ करते थे भारत के, वो रिफ्रेम किया करते थे रिपोर्टर्स को जवाब देने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान को आतंकवाद का घर बोलने के लिए डरते थे बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स, लेकिन आज के दिन डॉक्टर एस जयशंकर जी इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को उनके मुंह पे आतंकवाद का घर बोलते हैं। रिपोर्टर्स को बहुत बार वो फैक्ट चेक करते हुए भी देखे गए हैं। उन्होंने अपनी इंटरनेशनल पर्सनालिटी ऐसी बना ली है कि उनका फेस एक निडर का फेस है। आज वो किसी भी बात का जवाब देने से कहीं पे भी नहीं डरते हैं। जैसे कि एक बार वो अमेरिका में थे और वहां का एक रिपोर्टर उनसे पूछा था कि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हो रहा है उसके बारे में आपकी क्या सोच है, और वो बता
बताया भी था कि यूएस के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जयशंकर जी उसे मुंह पे बोले थे कि अमेरिका में क्या हो रहा है हमें भी पता है, कृपया अपने काम से काम रखें और दूसरे के काम में टांग ना डालें। वो समय समय पर पाकिस्तान और यूएस के रिश्तों को भी एक्सपोज करते हुए देखे गए हैं। यूएस हमारा एक इम्पोर्टेंट एलाई है, लेकिन उसके अगेंस्ट भी डॉक्टर एस जयशंकर निडर होके बोलते हैं। वो बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान और यूएस के बीच में आर्म्स डील करी जा रही है, F-16 विमान दे रहे हैं अमेरिका वाले पाकिस्तान को, और पाकिस्तान बोलता है कि इसे टेररिज्म के खिलाफ यूज करेगा। वो इन सारे फाइटर जेट्स को टेररिज्म करने के लिए यूज करता है, और ये चीज वो मुंह पे बोलते हैं अमेरिका के। वो ये भी बताते हैं कि आज के दिन अमेरिका किसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, आंख सबके पास है, देख सब सकते हैं। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत के बहुत सारे फॉरेन मिनिस्टर्स चुप्पी साथ देते थे, लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ऐसे नहीं है। जब भी पाकिस्तान के रिपोर्टर्स उनसे कोई भी सवाल पूछते हैं कि क्या सोचते हैं आप टेररिज्म के बारे में, क्या भारत में टेररिज्म है, क्या आप लोग पाकिस्तान के ऊपर वॉर करेंगे, देखो फैक्ट चेक करते हुए बोलते हैं कि टेररिज्म तभी खत्म हो जाएगा जब पाकिस्तान टेररिज्म को खत्म करना चाहेगा। पाकिस्तान ही वो जगह है जो टेररिज्म को घर देता है, और यहाँ पे टेररिज्म के सारे चमचे पलते हैं। चाहे वो रशिया से ऑयल लेने की बात हो या चाइना और इंडिया के बॉर्डर में चल रहा टेंशन, डॉक्टर एस जयशंकर जी के पास सब चीज का जवाब तैयार रहता है। और मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूँ, ऐसे लोगों की जरूरत हमारे पॉलिटिकल स्पीयर में बहुत ज्यादा है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो। डॉक्टर एस जयशंकर के मन में शुरू से ही देश प्रेम सबसे ऊपर था, यानी कि इंडिया के इंटरेस्ट को वो हमेशा एज अ सेंटर लेके चलते हैं। वो किसी भी पार्टी के हो, इंडिया को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, यही कहना है डॉक्टर एस जयशंकर जी का। आज के दिन डॉक्टर एस जयशंकर जी पॉलिटिकली बहुत पावरफुल हो चुके हैं और इंटरनेशनली भी उनका बहुत अच्छा इमेज बन चुका है। देखने की बात यह है कि आप क्या सोचते हैं, क्या डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? ये बात हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमने इस सीरीज में जिन लोगों के बारे में भी बनाया है, उन सब के कमेंट्स में डॉक्टर एस जयशंकर जी का नाम सबसे ज्यादा रिक्वेस्टेड था। तो ये रही वीडियो, लाइक करिए इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।